हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि 6n जो है, क्या वो 0 से कभी एंड हो सकती है? 0 से कभी एंड हो सकती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे 6n का मतलब, जैसे 6 सपोज कीजिए 2 है, तो 6 × 6 = 36, या 6³ कर दिया, 6 × 6 × 6, इनकी मल्टीप्लिकेशन करें और ये आ जाए आपका 216। तो कहते हैं क्या n की कोई वैल्यू ऐसी हो सकती है, यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू आए जिससे कि लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट ये जो है, ये क्या आए आपकी 0 आए। तो ऐसा कुछ करने के लिए होना क्या चाहिए? सपोज कीजिए आपके पास नंबर है 40, तो इस तरह का कोई, क्या ये कहता है, क्या इस तरह का कोई नंबर हो सकता है जिसमें लास्ट डिजिट जो है 0 आ जाए? और अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 आ रही है, इट मीन्स वो 10 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, वो क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। 10 से अगर कोई डिजिट डिवाइड हो रही है तो उसके फैक्टर क्या होंगे आपके, 2 और 5। तो देखिए, इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। वो क्या होनी चाहिए आपकी, 10 से डिवाइड होनी चाहिए अगर उसकी लास्ट डिजिट 0 है तो। और इन अदर वर्ड्स, इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 और 5। अगर आपकी 10 से डिवाइड हो रही है, इट मीन्स 2 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि 10 = 2 × 5। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, 2 × 3 और उसकी पावर n। तो यहाँ देख रहे हैं हम, जो इसके जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं अभी 6 के, उनमें 2 है और 3 है, 5 नहीं है यहाँ पे। और 10 से डिवाइड होने के लिए 5 भी होना चाहिए। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। 6n के जो प्राइम फैक्टराइजेशन की, वहाँ पर 5 नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n की चाहे कोई भी वैल्यू हो जाए, 6n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, वो 5 से डिवाइड नहीं होगी। और 5 से डिवाइड नहीं होगी तो फिर 10 से भी डिवाइड नहीं होगी। देयरफॉर 6n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6n कभी भी 0 डिजिट से एंड नहीं होगी, चाहे आपका नेचुरल नंबर n कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट है। थैंक यू।